अग्निं इवे पुरोहितं यजस्य देवं ऋत्विजं ओतारं रत्नधातमं योभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चातिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्ति। विश्व की सर्वप्रथम आर्य समाज जहां हम सबके प्रेरणा स्रोत राष्ट्र के लोगों के अंतस में देशभक्ति का भाव, अध्यात्म का भाव पैदा करने वाले वैदिक संस्कृति को पुनर्स्थापित करने वाले वैश्य स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित ये सारी समाज में यहाँ उपस्थित ये सारी समाज के परामर्शदाता के रूप में अपना मार्गदर्शन दे रहे पंडित देवदत्त जी, माननीय प्रधान जी, आर्य समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित आर्य समाज के सभी सम्मानित विद्वज्जन, विभिन्न आर्य समाजों से पधारे हुए आर्य समाजों के पदाधिकारीगण, हमारी सभी सम्मानीय माताओं बहनों और उपस्थित सज्जन, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के चरण जहां पड़े, जहां जिनके व्याख्यान हुए, वो स्थान अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। इस वेदी से इन 145 46 वर्षों में कितने हजारों व्याख्यान हुए होंगे, एक से एक विद्वान तपस्वी त्यागी उनके व्याख्यान इस वेदी से हुए, उससे आसन पर बैठ करके आदमी को स्वतः ही एक सहज तो होता है जिस व्यासपीठ पर मैं बैठा हूं। कितने सारे तपस्वी सन्यासियों ने, विद्वानों ने इस व्यासपीठ पर बैठ करके इस मुंबई के हजारों हजारों लोगों को प्रेरणा दी होगी। आप सब भी सौभाग्यशाली हैं कि आप सब यहां उपस्थित होकर के समय समय पर आर्य समाज के उदीयमान विद्वानों के मुखारविंद से अपने जीवन, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए विचार सुनते रहते हैं। अभी पंडित देवदत्त जी माने पंडित दयाशंकर जी की चर्चा कर रहे थे, यही स्थान है। सन 1985 में 83 आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज का नर्ष दयानंद के निर्वाण स्थापित अजमेर में हुई। वहां मुंबई के कुछ लोग मेरे संपर्क में आए, घाटकोपर के कुछ युवा साथी, उसमें युवा थे कल्याण जी भाई, दिलीप जी भाई, कई लोग थे। मैं ब्रह्मचारी था उस समय, 83 में 84 में मैंने संन्यास लिया। मुझे उन्होंने कहा कि आप बंबई बना रहे, गाड़कों पर आर्य समाज में मैं आया और उसके बाद मेरे मन में एक भाव जागृत हुआ कि मुझे उस आर्य समाज को देखना चाहिए जिसकी स्थापना ऋषि दयानंद ने की। मैं उपस्थित हुआ, आया तो कार्यालय में जो अंदर आया तो एक देवी विमान व्यक्तित्व के
दर्शन में हुए, मैं युवा था उसमें बिल्कुल ही, और मुझे कुछ संवाद हुआ। संयोग से रविवार का दिन था, घाटकोपर में प्रातः काल प्रवचन था, सायंकाल का यहाँ पर होता है, पर दया संकृति ने मुझे बिठा दिया कुछ कहो। तो संक्षिप्त में अपनी बात कही, पर दया संकृति ने मुझे एक बात कही उस समय, तो ब्रह्मचारी जी दयानंद को मत छोड़ देना, दयानंद को छोड़ करके लोग लक्ष्मी प्राप्त कर लेंगे, धन प्राप्त कर लेंगे, बड़े बड़े पद प्राप्त कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आत्म सुख प्राप्त नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो महर्षि दयानंद की विचारधारा को छोड़ करके बड़े बड़े कथाकार बने, लेकिन उनके समीप बैठ करके जब चर्चा करते हैं तो आत्मिक सुख नहीं है। दयानंद की विचारधारा के अंदर जो पारदर्शिता है, जो सत्य है, सत्य के अंदर जब आदमी डूबकी लगाता है तो उसको विशेष आनंद की अनुभूति होती है। तो आत्म सुख की प्राप्ति यदि कहीं होती है तो ऋषि दयानंद की छत्र छाया में हो सकती है। ये बड़े दया शंकर जी के शब्द आज भी मेरे कानों के अंदर गूंजते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे आर्य समाज के सैकड़ों सन्यासियों के चरणों में रहने का मौका मिला। सैकड़ों सन्यासियों की बात कर रहा हूं, महात्मा आनंद स्वामी से लेकर के स्वामी अरुण जी, स्वामी ओमानंद जी, स्वामी सर्वानंद जी, स्वामी दीक्षानंद जी, स्वामी विद्यानंद जी, मैं कितने लोगों के नाम आपके सामने, स्वामी प्रेमानंद जी, महात्मा दयानंद जी, महात्मा हरि भिक्षु जी, ये ऐसे ऐसे महात्मा जिनके चरणों में मुझे बैठने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आर्य समाज को उन्हें वो तपोधन दिए जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, चाहे देश की आजादी की लड़ाई की बात की, वैदिक धर्म के प्रचार की बात की, गौ रक्षा की बात की, चाहे शुद्धि का विषय था, विभिन्न क्षेत्रों में आर्य समाज ने काम किया। उनके पीछे की प्रेरणा जहां कहीं थी ऋषि दयानंद की थी। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या है, जब आर्य समाज के परिश्रम में आते हैं, कई बार हमारे आर्य समाज के बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे विद्वान संख्या को देख करके विचलित हो जाते हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं तो वहां हजारों की लाखों की संख्या होती है। मुझे भी कई बार रोकते हैं लोग, शास्त्री जी, आचार्य जी, मुझे कई बार रोकते हैं कि आप जो राजनीतिक कार्यक्रम में जाते हो हजारों लोग होते हैं और आपको 20-30-50 मालूम में क्या मिलता है। तो मैं उससे की बात कहता हूं, ये जो हजारों लाखों लोग मेरे सामने बैठे हैं, मुझे उन हजारों लाखों लोगों को गाइड करने की, प्रेरित करने की, उद्बोधित करने की प्रेरणा और शक्ति मिली है, वो इन 15-20 लोगों से मिली है, ये मेरे मूल है। आज भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आर्य समाज का एक सामान्य सा कार्यकर्ता, उसके विचार, आर्य समाज का एक सामान्य सा पुरोहित, जो बड़े बड़े कथाकार हैं, जब उनके जीवन की तुलना में उनसे करता हूं तो आपको आश्चर्य होगा कि हम उनकी दोनों की तुलना, मैं कई बार लोगों से कहा करता हूं, मेरे गुरु श्रद्धेय स्वामी सर्वानंद जी महाराज बहुत बड़े तपस्वी सन्यासी थे, वो बात कहा करते थे, वो जो एक वेद मंत्र हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य साकेतमुखम्, ये जो एक स्वर्ण के घड़े के अंदर अमृत को ढक दें और उसके ऊपर ढक्कन दे दें तो जो पारखी व्यक्ति है वो तो ढक्कन को फेंक करके अमृत को प्राप्त करेगा, लेकिन जो आदमी केवल चमक दमक को देखने वाला है वो तो उस घड़े के चकाचौंध में रह करके पीछे हट जाएगा, उस अमृत को नहीं देख पाता है। तो आर्य समाज का दर्शन, आर्य समाज का सिद्धांत उस सोने के घड़े में अमृत के तुल्य है। और ये जितने दूसरे लोग हैं, ये सारे के सारे
उस अंग घट की तरह से है, तो खाली घट मात्र को देखने से, घट मात्र से इंप्रेसिव होने से आदमी कभी अमृत को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए महर्षि दयानंद की विचारधारा आज भी सारे विश्व के अंदर ऋषि दयानंद की विचारधारा का प्रभाव है। अभी 9-10 महीने पहले की बात है, अमेरिका की पार्लियामेंट एक कार्यक्रम करती है, हमारा देश की स्थिति कुछ और है, वहां की और है, वहां भी दो ही पार्टियां हैं, वो एक कार्यक्रम करती है नेशनल प्रेयर, वो विश्व धार्मिक कार्यक्रम होता है, आध्यात्मिक टाइप का कार्यक्रम होता है। 62 देशों के लोगों को आमंत्रित किया, विभिन्न संप्रदायों के लोगों को आमंत्रित किया, भारत से उन्होंने 2 सांसद आमंत्रित किए, माने मोदी जी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आपको अमेरिका के कार्यक्रम में जाना है। तो मैंने कहा भाई साहब और किसी को भेज दो, तो कह रहे नहीं, जिस कार्यक्रम में बुलाया है उसमें आप ही उचित बैठते हैं। तो एक मैं चला गया, एक केरला के एक सांसद है राजेश्वर से, हमारे राजस्थान से बना रखे हैं, एक अफांस अभी मिनिस्टर भी थे, उनको भेज दिया। तो वहां पर 3 दिन का कार्यक्रम था, परंतु समय बहुत कम था, उनके पास 15-15-10-10 मिनट का समय देते थे, मुझे भी 12 मिनट का समय मिला, और 12 मिनट के समय में विषय विषय था विश्व में शांति की स्थापना कैसे हो सकती है। तो मैंने संगठन को उठ के केवल एकमात्र की थोड़ी सी चर्चा की, और इस चर्चा के बाद में मैंने कहा कि ये सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, ये उस वेद का ऋचा है जिसमें न कोई धर्म था दूसरा, न तो संप्रदाय था, न मत था, न जो देश था, न कोई सीमाएं थी, कुछ भी नहीं थी, था तो संपूर्ण भूमंडल था, और संपूर्ण भूमंडल के लिए मानव मात्र के लिए अगर किसी ने ज्ञान दिया था तो ज्ञान परमेश्वर ने दिया था, और उस परमेश्वर के ज्ञान को आदिश्वर ने प्रसारित किया, और इस रूप में जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ इसको ऋषि दयानंद ने प्रस्तुत किया। तो मैं 12 मिनट में अपनी बात कह करके बैठ गया, वहां के लोकसभा के अध्यक्ष ईसाई है, उन्होंने मेरे पास आके कहा कि मैं आपसे कुछ समय चाहता हूँ, आपके साथ बैठ करके बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा कितना समय चाहोगे, कि जितना आप दोगे, मेरे दूसरे कार्यक्रम थे वहां पर बहुत सारे कार्यक्रम थे, तो मैंने आधे घंटे का समय दिया, परंतु आश्चर्य होगा आपको कि हम बैठ गए बात करने के लिए, मेरे होटल में बैठ गए, 3-4 उनके अधिकारी थे, और जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार बैठते हैं ऐसे उस व्यक्ति ने मेरे से चर्चा की, और मैंने घड़ी देखी तो 80 मिनट हो गए। मैंने उनको कहा भाई साहब आपने सर मेरा कार्यक्रम आपने डिस्टर्ब कर दिया, और मैंने घड़ी देखी नहीं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि आज भी वैदिक विचारधारा और वैदिक संस्कृति समाज को जो इम्प्रेसिव कर सकती है, वहां बड़े बड़े मौलवी थे, बड़े बड़े पादरी थे, बड़े बड़े बौद्ध संत थे, बड़े बड़े जैन संत थे, सब कुछ था, लेकिन वहां के जो 5-7 प्रमुख लोग थे उनके अंदर मैंने देखा कि मैं अकेला था, और जो दूसरे संत आए थे उनके साथ 10-10-15-15 की टीम थी। तो मुझे उन्होंने कहा बाद में उन्होंने कहा कि साहब आप आए, आप इतने सरलता से रहते हो, मेंबर पार्लियामेंट भी हो और एक इतने बड़े विद्वान भी हो, लेकिन इतनी सरलता सादगी से रहे हो, आपके साथ में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। तो मैंने कहा मेरे साथ वो ईश्वर है, तो मेरे ऋषि दयानंद के साथ में रहता था, वो सारे संसार में उससे बड़े पावर कि आज भी सारा संसार हमारी विचारधारा की तरफ देख रहा है। तो कुंवर शुक्ला की सूक्तियां पंक्तियां मुझे बरबस याद आती हैं, सुन रहा था जमाना बड़े गौर से, हम ही सोगे दास्तां कहते कहते, पूरा जमाना सुनता था हमारी बातों को, आज भी सुनता है, आज भी बात सुनता है। स्वामी रामदेव ऋषि दयानंद के शिष्य हैं, योग के विषय को लेकर के चले आयुर्वेद और योग, और योग का केवल एक रूप पकड़ा उन्होंने, 2 मान लो आसन और प्राणायाम, तो योग के 8 अंग ने 2 विषयों को पकड़ा, पर आपको आश्चर्य होगा कि 192 देशों को शीर्षासन करवा दिया बाबा ने। आज 192 देशों के अंदर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता, उसके मूल के अंदर यदि कोई है तो दयानंद की विचारधारा स्वामी रामदेव जी है, ठीक है, उसको अमली जमा पहनाने का काम मोदी जी ने किया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसकी मान्यता दिलवाने का काम मोदी जी ने किया है, लेकिन उसके मूल के अंदर उसका जो फाउंडेशन वर्क जो करने वाले व्यक्ति हैं
वो स्वामी रामदेव जी हैं। तो सारी दुनिया आज लगभग 200 देशों के अंदर हमारे 200 नौजवान भारत सरकार की ओर से योग सिखाने के लिए भेजे गए। हमारे 8 नौजवान तो गुरुकुलों के स्नातक हैं, बक्सरा जी अजमेर के हैं, वो मास्को के अंदर योग सिखा रहे हैं, भारत सरकार की ओर से गए हैं, वहां के विभिन्न लोगों को सिखाते हैं। हमारे गुरुकुल गौतम नगर के 2 विद्यार्थी वो अरब कंट्रीज के अंदर योग सिखा रहे हैं। तो 8 नौजवान तो गुरुकुलों के स्नातक हैं, भारत सरकार की ओर से 200 व्यक्ति आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के योग सिखा रहे हैं। किसकी जय जयकार है, देवा बुद्ध की पूजा है, देवा पर है, मुसलमानों को बैठकर के योग सिखा रहे हैं, ईसाइयों को भी योग सिखा रहे हैं, बौद्ध जैनों को योग सिखा रहे हैं, जापान और चाइना जैसे देशों में योग सिखा रहे हैं और सिर झुका करके लोग नमन होकर के उसको सीखते हैं। तो ये दयानंद की जय जयकार है। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जब पार्लियामेंट में बैठता हूँ, पार्लियामेंट में कोई बात कहता हूँ, इस बार का चुनाव हार गए कांग्रेस के, विपक्ष के नेता तो नहीं थे लेकिन वो विपक्ष के पद पर बैठते थे, खड़ गए। एक बार हमारे गृह मंत्री जी किस विषय पर बोल रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की और वो टिप्पणी हमारे को मुझे आकर गई कि आप लोग तो अंबेडकर के संदर्भ में कुछ चर्चा नहीं करते, अंबेडकर जी तो दक्षिण के थे, मूल भारतीय थे, आप लोग तो विदेशी हैं, इसलिए अंबेडकर ने विघटन की बात नहीं की, आप लोग विघटन की बात करके ऐसी कोई बात की। तो मैंने इस पर टिप्पणी की अध्यक्ष से स्वीकृति लेकर के, और आपको आश्चर्य होगा मैंने जब उनको कहा कि आपको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, आप भारत को तोड़ने की बात करते हो, मूल भारतीय तो इस देश के सारा भारत का एक एक मनुष्य है, ये संपूर्ण विश्व ही हमारी विचारधारा को मानने वाला था, आप इसको समेट करके देश को तोड़ने की बात करते हो। तो महर्षि स्वामी दयानंद की बात को रखते हुए कि भाई 2000 वर्ष इस सृष्टि को बने हो गए, कब से हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, वेदों की संस्कृति है, मेरी 10 मिनट की बात को सुनकर के खड़गे जैसे व्यक्ति को पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष में आलोचना करनी पड़ी। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या है कि सत्य हमारे यहाँ वो चाणक्य का एक सूत्र ऐसा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, परेशान तो हो सकता है। स्वामी दयानंद ने कितनी परेशानियां उठाई, 17-17 बार 18-18 बार निष्पान किया, आर्य समाज के विद्वानों ने सन्यासियों ने कितने कष्ट उठाए लेकिन वो पराजित नहीं हुए, परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, यह आर्य समाज वो आर्य समाज है जो प्रथम आर्य समाज है। मैंने शुरू में एक बात कही, संक्षिप्त में एक बात कहना चाहूंगा, मैं सुबह वासी आर्य समाज में था वहां भी मैंने एक बात कही, उसके बाद अंधेरी आर्य समाज में था वहां भी मैंने एक बात कही। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ, सभाएं भारत में बनी है, इस आर्य समाज की स्थापना 1876 में हुई और उसके 34 साल बाद में सार्वजनिक सभा का गठन हुआ। कितने साल बाद में, 34 वर्ष बाद, 1909 के अंदर सार्वजनिक सभा का गठन हुआ। इस आर्य समाज की जिम्मेदारी क्यों अधिक है कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बात कही थी कि संसार में एक मुक्त समाज होना चाहिए और ये ऋषि द्वारा स्थापित है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म को 200 साल हो जाएंगे 2024 में। आर्य समाज के सामने 4 प्रमुख घटनाएं आ रही है। 2024 में ऋषि दयानंद के जन्म को 200 साल होंगे।